अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर मुग़ल अहदे हुकूमत की सबसे ताकतवर और बाइख्तियार मलिका की बात की जाए तो सिर्फ एक ही नाम हमारे जहनों में गूंजता है और वो है मलिकाए हिंद नूरजहां का। लेकिन एक रेगिस्तान में अपनी मौत का इंतज़ार करती हुई एक लड़की से दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकत की मुख्तारी कुल बनने का ये सफ़र इतना आसान न था। नूर जहाँ के वालिद गयासुद्दीन शहनशाह ईरान के एक दरबारी थे, जबकि इसके दादा ख्वाजा मोहम्मद शरीफ हैरात के वो मशहूर गवर्नर थे कि जिन्होंने मुग़ल शहनशाह हुमायूं को उस वक्त पनाह और इमदाद मुहैया की कि जब वो शेरशाह सूरी से शिकस्त खोर्दा होकर बेसरो सामानी के आलम में जंगलों और वीरानों में भटक रहे थे। नूर जहाँ के दादा ख्वाजा मोहम्मद शरीफ ने ही मुग़ल बादशाह हुमायूं को दरबार ईरान तक रसाई फराहम की, जहां सफवी शहंशाह तोहमासब की मदद से हुमायूं एक मर्तबा फिर एक बड़ी फौज जमा करने और शेरशाह सूरी के जानशीनों से अपनी सल्तनत वापस छीन लेने में कामयाब हुआ। यूं ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की वजह से मुग़लों के अच्छे दिन लौट आए। लेकिन ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की वफात के बाद दरबार ईरान में इनकी औलाद के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं बरता गया। दरबारी मुखालफीन ने बादशाह को इनके बेटे मिर्ज़ा गयासुद्दीन के खिलाफ वरगला कर न सिर्फ इनके अहदे और जायदाद जब्त करवा दी, बल्कि इन्हें ईरान से जिला वतन भी कर दिया गया। अब गयासुद्दीन अपने चंद अहले खाना के हमरा हिंदुस्तान की जानिब आजिम सफ़र हुए कि शायद मुग़ल हुक्मरान अपने मोहसिनों को पहचान कर इनकी मुश्किलात दूर कर सकें। लेकिन ये सफ़र भी इस ख़ानदान के लिए एक मुसीबत ही साबित हुआ। रास्ते में कज़ाकों ने तमाम मालो मता लूट लिया। ना तो खाने को रोटी मुयसर रही और ना ही पीने को पानी। और इसी मौके पर कंधार से करीब एक रेगिस्तान में गयासुद्दीन की बीवी ने एक इंतहाई खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। ये ख़ानदान खुद भूखो प्यास की शिद्दत से बेकरार था, ऐसे में एक बच्ची की ग़िज़ा कहाँ से फराहम करता। लिहाजा ये अपनी इस नौमौलूद बच्ची को इसी दश्त में मरने के लिए छोड़कर आगे बढ़ गया। मगर दोस्तों, कुदरत को ऐसा हरगिज मंजूर ना था, इसलिए कुछ देर बाद यहाँ से एक काफिले का गुजर हुआ। जब इस काफिले में शामिल एक दौलतमंद सौदागर ने इंतहाई खूबसूरत बच्ची को तपते हुए सहरा में बिना दूध के बिलबिलाते हुए देखा तो इसने बच्ची को अपने साथ ले लिया। खुदा का करना ऐसा हुआ कि आगे चलकर इस बच्ची का ख़ानदान यानी मिर्ज़ा गयासुद्दीन और इनकी बेगम भी इस सौदागर को मिल गईं। ये सौदागर, जिसका नाम मसूद था, इसने तमाम ख़ानदान को अपनी सरपरस्ती में ले लिया और मिर्ज़ा गयासुद्दीन को मुग़ल शहंशाह अकबर के दरबार में पेश कर दिया। शहंशाह अकबर को जब इस ख़ानदान के अपने वालिद पर किए गए एहसानात का इल्म हुआ तो उसने मिर्ज़ा गयासुद्दीन को शाही मुलाजमत अता की। यूं सहरा में पैदा होने वाली ये बच्ची इस ख़ानदान के लिए इंतहाई मुबारक साबित हुई और इन्होंने इसका नाम महरुन्निसा रखा। महरुन्निसा को शाही घरानों की ख़वातीन की मानिंद आला तालीम, घुड़सवारी और नेज़ाबाजी की तरबियत भी दी गई। कहते हैं कि मुग़ल शहजादा जहांगीर सिर्फ 13-14 बरस की उम्र में ही महरुन्निसा के इश्क में मुब्तला हो चुका था। अलबत्ता वो शहंशाह अकबर के रोबो जलाल और सख्त गिरी के बाइस इससे शादी न कर सका, जबकि महरुन्निसा की शादी 17 साल की उम्र में एक ईरानी नौजवान अली कुली से कर दी गई। ये एक इंतहाई बहादुर नौजवान था जिसने एक मर्तबा बादशाह अकबर के हुक्म पर एक शेर भी मार गिराया था और इसीलिए बादशाह ने इसे शेर अफगन का खिताब दे रखा था। बादशाह अकबर ने इस नौजवान जोड़े को बंगाल में एक जागीर अता की और यूं ये दोनों दरबारी साजिशों से दूर हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा। इन दोनों के यहाँ एक बेटी भी पैदा हुई। इस शादी के 11 साल बाद सन 1605 ईस्वी में जब अकबर आजम फौत हुआ और जहांगीर तख्ते हिंदुस्तान पर जलवा अफरोज़ हुआ, तब इसने दोबारा अपनी मोहब्बत को हासिल करने का मंसूबा बनाया। जहांगीर ने महरुन्निसा के शहर शेर अफगन के पास अपने कासिद भेजकर इसे मजबूर किया कि वो अपनी बीवी महरुन्निसा को तलाक देकर इसी बादशाह के पास भेज दे। लेकिन शेर अफगन इस बात पर राजी ना हुआ, उल्टा इसने गुस्से में आकर बादशाह के भेजे हुए एक कासिद को कत्ल भी कर दिया। इन तमाम हालात के नतीजे में जहांगीर के सिपाहियों ने शेर अफगन को भी कत्ल कर डाला और महरुन्निसा को बादशाह के पास भिजवा दिया गया।
कुछ अरसे के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा से शादी कर ली और इसे मलिकाए नूर जहां के खिताब से नवाजा। जल्द ही ये बादशाह के हरम से एक जीरक सियासतदान और जहांगीर की पसंदीदा बीवी के तौर पर सामने आई। इसने एक शरीक सुल्तान की मानिंद मुगल सल्तनत पर हुकूमत की। तकरीबन सभी मौरखीन के मुताबिक मुगल बादशाह जहांगीर एक बला का शराबनोश और अफीम का आदि था, जो हमा वक्त नशे में धुत रहता। ऐसे में सल्तनत के तमाम सियाहो सफेद की मालिक नूर जहां ठहरी। यहां तक कि सन 1617 ईस्वी के दौरान सल्तनती मुगलिया में जहांगीर के साथ साथ नूर जहां के नाम के सिक्के भी जारी किए जाने लगे। कोई शाही फरमान जारी करना हो, किसी सरकारी इमारत का नक्शा तैयार करना हो या फिर खारिजा पॉलिसी तरतीब देनी हो, इन तमाम मामलात में मलिका नूर जहां की मर्जी शामिल होना लाजिम था। मलिका नूर जहां ने एक मर्तबा मुगल अफवाज की कयादत भी की थी कि जब शहंशाह जहांगीर को इसके सिपे सालार महाबत खान की बगावत के बाद कैद कर लिया गया था, तब ये मलिका बादशाह और इसकी मुमलिकत को इस संगीन बहरान से निकालने में भी कामयाब रही थी। नूर जहां की वफात 68 साल की उम्र में सन 1645 ईस्वी के दौरान हुई। मलिका नूर जहां का मकबरा पाकिस्तान के शहर लाहौर में आज भी मौजूद है। लेकिन दोस्तों, एक अजीब और हैरत अंगेज बात यह है कि इस मकबरे में नूर जहां की लाश मौजूद नहीं, बल्कि इसे तो जंगली कुत्तों और भेड़ियों की गजा बना दिया गया था। वाकया कुछ यूं है कि मुगलों के बाद आने वाले अदवार में पंजाब के सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह ने मुगलों से नफरत और बोझ के सबब नूर जहां और इसकी बेटी लाडली बेगम की कब्र खुदवा कर इसमें से ताबूत निकलवा लिए थे। रंजीत सिंह के हुक्म पर इन ताबूतों को आहनी कुंडों की मदद से मजार के दरवाजे पर कई दिन तक लटकाया गया। बाद अज़ां इन ताबूतों से इस मलिका की लाश की बाकियात निकाली गईं, जिसमें सिर्फ बोसीदा हड्डियां बाकी बची थीं। महाराजा रंजीत सिंह अपनी नफरत में इस कदर आगे बढ़ गया था कि उसने एक मैयत की हुरमत तक का ख्याल न किया और इसे दोबारा ताबूत में रखकर दफनाने के बजाय कुत्तों के आगे फिकवा दिया। वो कीमती कपड़ा जिसमें नूर जहां का ताबूत लिपटा हुआ था, इसे बादशाही किले के तोशक खाने में रखवा दिया, जो इसकी मौत के बाद दस्तियाब हुआ। 1912 ईस्वी में दिल्ली के एक हकीम अजमल खान ने इस मज़ार की बाकियात जमा करके नूर जहां का ये मकबरा दोबारा तामीर करवाया। हकीम साहब की कोशिशों से मज़ार का कुतबा तो दस्तियाब हो गया था, अलबत्ता नूर जहां की हड्डियां भला कैसे मिल पाती। लिहाजा अब बस हिंदुस्तान की इस पुरशिकवा मलिका नूर जहां की कब्र का एक निशान ही बाकी है, जो यादें रफ्तगा पर मातम करता नजर आता है। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना? और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे अरे, डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।